चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जी सर नाइन्थ पार्ट है। ये नाइन्थ पार्ट है, नाइन्थ सेट है, ठीक है। नाइन्थ और टेंथ आज करेंगे हम लोग, और फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और फिनिश देखते हैं, जब तक मेरा इन्वर्टर साथ देता है तब तक, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा बाकी होगा तो कल देखेंगे। चलो साइन 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। 180 प्लस में है तो चेंज होता है क्या? नहीं सर। ओके यार, तुम इतने लास्ट, आज लास्ट क्लास है फिर भी आंसर गलत बता रहे हो, क्या प्रैक्टिस? तुम्हारी क्लास के चक्कर में तो प्रैक्टिस कुछ नहीं करते हो। ऑलरेडी इतना सारा वीडियो हो चुका है, इतना सारा पढ़ाई हो चुका है, बताया गया है कि अच्छा ये 118 डिग्री दिख रहा है इसके वजह से, क्या ये 180 डिग्री है? ठीक है, 18 डिग्री नहीं है, ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा रहता है तो कभी भी चेंज नहीं होता, ये जो चीज रहेगा वही रहेगा, ठीक है। साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा, और 180 प्लस में है तो कहां पे आ जाएगा ये? यहाँ पे अब आपको देखना है कि साइन यहाँ पे प्लस रहता है कि माइनस रहता है। साइन क्या रहता है? माइनस रहता है। माइनस रहता है तो क्या आंसर आएगा? आंसर ये होगा ए, माइनस साइन थीटा, ठीक है। कितने बार बता चुके हैं, इतना आसान फॉर्मूला हो गया है कि बिल्कुल 180 में प्लस करो चाहे माइनस करो, जो जो रहेगा यहाँ पे, जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन थीटा में आ जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। इतना इजी है, क्लियर है? एक बार क्लियर हो जाता है चीज तो फिर क्यों भूल जाते तुम? इसे मतलब कि ध्यान नहीं दे रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कुछ कुछ ध्यान में आ रहा है? यहाँ पे देखने से कुछ समझ में आ रहा है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा, ठीक है। हम बोले हैं साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा का बिल्कुल याद कर लो फॉर्मूला, ठीक है। कॉस टू थीटा का क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा का यही होता है ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और याद कर लो, साइन थ्री थीटा, थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा भी याद कर लो, कभी कभार टू इसको देते हैं, ठीक है। बताओ ईशान क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा ईशान? ये सब लोग मैसेज करो सर, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क। हेलो सर, हेलो। स्क्रीन पर मेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क। लॉग आउट करके लॉग इन करो। महबूब समझ में आ रहा है? महबूब बताओ क्या आंसर आएगा? सर ऑटोमेटिक बैक हो रहा, अपने से कनेक्टिंग हो रहा है, ऑटोमेटिक अपने से बैक हो जा रहा है, फिर अपने से कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। महबूब को बोल रहे हैं, महबूब से पूछ रहे हैं, महबूब सॉरी साकिब से पूछ रहे हैं, महबूब के नाम से आता है। साकिब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सही है साकिब, एक मिनट सर, साकिब आंसर भेजो। हाफ कप कितना आया? देखो ठीक है, ये किस थीटा क्या है यहाँ पे? ये थीटा इतना सारा है, ये पूरा ये थीटा है, कितना है? 22.5, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या है? 22.5, ठीक है। टू साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन टू थीटा, ठीक है। तो साइन टू थीटा मतलब कि दो गुना थीटा, थीटा क्या है हमारा? 22.5 है, 22 1/2, तो 22.5 का दुगना क्या हो जाता है?
तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, ठीक है। 22.5 का गुणा 2 से गुणा करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है। साइन 45 पता है सबको, साइन 45 कॉस 45 क्या होता है? 1/√2, 1/√2, ठीक है। सी आंसर आ जाएगा। ये कौन टिक लगाया है? ये जो गलती ये बंदे ने किया है जिसके जिसका क्वेश्चन पेपर है वही गलती तुम लोग भी कर दो, ठीक है ना। क्लियर है? ये किसी को समझ में आया 45 डिग्री कहां से आया? नहीं समझ में आया 45 डिग्री कहां से आया? नहीं समझ में आया? बोलो भाई बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अरे इतनी मेहनत से क्लास हो रहा है, कम से कम जवाब दो। जी सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया तो बाद में अपना समझ में। 1 - cos θ - cos θ क्या आएगा? क्या करेंगे दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? sec माइनस कॉस रहेगा सर। sec माइनस कॉस होगा, लेकिन sec माइनस कॉस नहीं है ना यहाँ पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक ही टर्म लाना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन लाना पड़ेगा, तो कैसे आएगा इन दोनों को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो कॉस हो जाएगा नीचे कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा? 1 - cos²θ। tan into sin हो जाएगा सर। tan into sec sin, so sin हो जाएगा, sec होगा, हाँ साइन हो जाएगा, सॉरी तो साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये होगा 1 - cos²θ हो जाएगा आपका sin²θ/cos θ, ठीक है। साइन यहाँ पे दो बार है, तो एक बार साइन अपॉन कॉस हो जाएगा एक से, और दूसरा वाला साइन एक पहले बचेगा, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? टेन, टेन इंटू साइन थीटा, साइन, ठीक है, ठीक है ना जी सर। साइन साइन इसका थीटा कैसे होगा, कैसे आया? हाँ कैसा है? कम से कम घटा करो ना 10, तो अभी ये 11वां क्लास है, 11वां क्लास है, 22 बार बता चुके होंगे कम से कम। 1 - cos²θ स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद रखो भाई, स्क्वायर वाला 9 फॉर्मूले जो है वो सब याद रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 - cos²θ बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos²θ होता है, इसी फॉर्मूले से बना है ये, और इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन सकता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin²θ, ठीक है। उसी से ये पूरा 1 - cos²θ इज इक्वल टू sin²θ बन गया, ठीक है। sin²θ मतलब होता है दो बार sin थीटा, एक बार ये sin थीटा एक बार ये sin थीटा, तो एक बार cos से डिवाइड करेंगे तो ये tan हो जाएगा, और दूसरा वाला sin थीटा इसके साथ रहेगा, ठीक है। चलो कॉस स्क्वायर 10 थीटा, कॉस स्क्वायर 80 थीटा क्या हो जाएगा? ये बंदा सबका आंसर गलत लगा कर रखता है, इसका भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे आंसर गलत लगा के रखा है, ये भी गलत लगा के रखा है। बताओ क्या आंसर आएगा? बोलो भाई आवाज आ रही है? हेलो आ रही आवाज सर? 1 होगा जी सर, आ रही है। 1 होगा, कैसे 1 होगा? 1 हाँ कैसे होगा 1? ये वो को साइन में चेंज कर देंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 नहीं हो जाएगा। साइन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 1, तो हाँ बराबर हो जाएगा 1। अभी फॉर्मूला बताया जस्ट पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 29 क्वेश्चन नंबर 5 इसका भी सर गलत लगा हुआ है।
वहां पे वन था तो वहां जीरो मार दिया है, यहाँ पे जीरो जीरो था यहाँ पे वन मार दिया है, जीरो है तो यहाँ वन मार दिया है। कुछ नहीं पढ़ा होगा, जैसे अभी सब लोग सो रहे हैं ना, इसी तरह वो भी सो रहा होगा, जब फॉर्म भरने का टाइम आया होगा तो। अरे एक एक हफ्ते पहले बच्चे लोग कॉल कर रहे थे कि सर जी पढ़ा दीजिए, नहीं एक हफ्ता पहले क्या पढ़ाएगा नहीं भाई पिछले साल जग जग के आ रहे थे सर, तभी सर तैयारी कम से कम दो तीन दो महीने तैयारी करे हुए थे, तीन महीने की तैयारी में गारंटी के साथ सिविल फिक्स है एकदम, तीन महीने की तैयारी किसी के भी मैंने कहा तो मेरी तैयारी किसी भी सीनियर के गाइडेंस में तैयारी करो, तीन महीने में सिविल पक्का है। दो जो बच्चे कट ऑफ का वीडियो है, अब हमको इतना याद नहीं है, एक बार फिर जब टाइम आएगा तो फिर निकालेंगे उसको, तब हिसाब किताब करके समझाए हुए हैं किसी वीडियो में लाइव में। अच्छा सर देख लेंगे। सर पहले ब्रांच चूज पहले करना पड़ता है कि सर अलॉटमेंट बाद में, जब फॉर्म आएगा ना तो बहुत अच्छे से समझा देंगे, ठीक है? अभी उस पे चिंता करो नहीं, एकदम दिमाग से और रखो, अभी सिर्फ फोकस करो, ठीक है? जब भी फॉर्म आएगा बहुत अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस सबको बहुत हुआ है, क्योंकि एक बच्चा एडमिशन लेके भी नहीं गया, कैंसिल कर दिया, सिविल मिला था उसको, कैंसिल कराया लास्ट में, एडमिशन भी करा दिया उसका, फिर भी कैंसिल करा दिया, मतलब ना तो ना, हैदराबाद में मिला था उसको, सब बच्चे मतलब साफ देखते हैं हैदराबाद में लेने का, उसको हैदराबाद मिला था लेकिन दरभंगा ही चाहिए था उसको, नहीं मिला, नहीं लिया, कैंसिल कर दिया। हैदराबाद में सर हॉस्टल मिल जाता है उसको बढ़िया, हाँ उसको छोड़ रहे नहीं, दरभंगा ही में रहता था, उसका बेकरी है पापा का उसके, तो वहाँ पे काम भी करना था और उसको पढ़ाई भी करना था, तो उस टाइप के लोगों को ये रहता है ना कि सीधा आप भरो ही मत, सिर्फ भरो दरभंगा सिविल, दरभंगा सिविल, दरभंगा सिविल, और कुछ चाहिए ही नहीं हमको, ठीक है? उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, वरना मानस में बहुत कंफ्यूजन है फॉर्म भरने में, ठीक है? हाँ डाल देंगे इंशाल्लाह, डालेंगे जो पिछले एक्सपीरियंस से जो सीखे हैं वो तुम डाल ही देंगे, बताएंगे लाइव में आके बता देंगे। चलो ठीक है, फटाफट करते हैं, मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, बस एक घंटे का बचाइए लैपटॉप में चार्ज, ठीक है? तो इसका जीरो हो जाएगा, सबको पता है कैसे जीरो होगा, ठीक है? इसको इसको सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट किए थे, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे, साइन 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो सेम हो गया, साइन 75 साइन 75 दोनों कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, sec 30 का सबको पता है क्या होता है, 1/cos 30 होता है, ठीक है? cos 30 क्या होता है, 1/√3/2, अब इसको सही करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3, तो फाइनली 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं होता है तो 2/√3 हो जाएगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी sin 30 आता है उसको उल्टा कर देते हैं, समझ आई बात? जो भी cos 30 रहेगा उसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, तो √3/2 होता है cos 30, ठीक है? तो sec 30 हमारा हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा 2/√3, इतना काम जाम करने की जरूरत नहीं, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या सही मारा था कि गलत मारा है, इसमें सही मारा, इसमें सही गलत है, गलत सर, गलत है, 2/√3 ये होगा बी, इसमें भी गलत मारा है, ठीक है सर, डायरेक्ट मान तो रख सकते हैं ना, हैं क्या क्या रख सकते हैं सर, बोल रहे कि sec 30 डिग्री का मान डायरेक्ट नहीं रख सकते, कुछ तोड़ के रखना पड़ेगा, उल्टा कर देना, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर देना, ठीक है? cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, ठीक है? तो 2/√3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, साइन है sec है, जोड़ घटाव याद रखना, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो तुक्का मारना है तो, ठीक है? यहाँ पे वन कैसे आएगा, वन तो साइन को कॉस में बदलेंगे, साइन को कॉस में बदलेंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस 75 इनटू सेक 75, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, याद है ना सर्किल में,
ये है आपका साइन, ये है कॉस, ये है टैन, ये है आपका हॉट, ये है आपका कोसेक, ये है आपका सेक, ठीक है, वन, ठीक है, आमने सामने का भी मल्टीप्लाई होता है तो वन आता है, ठीक है, साइन इंटू कोसेक वन होगा, टेन इंटू कॉट वन होगा, कॉस इंटू सेक वन होगा, ठीक है, और ऐसे चलता है तो साइन इंटू कॉस बराबर कॉट होगा, कॉस इंटू कॉट बराबर कोसेक हो जाएगा, कॉट इंटू कोसेक बराबर सेक हो जाएगा, कोसेक इंटू सेक बराबर टेन हो जाएगा, कोसेक इंटू टेन बराबर साइन हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है और ऐसे भी चलता है, उल्टा भी चलता है, बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस टेन टू द पावर 4 थीटा, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, क्या आंसर होगा, क्या आंसर हो जाएगा, बोलो भाई, क्या करेंगे इसमें, क्या अप्रोच होगा, सर दोनों को सेक में चेंज करेंगे, आंसर है, आंसर है ए, ए अच्छा चल, जिसके पास 10 के पावर 4 वाला ना, उसको चेंज करेंगे, ए होगा सर, ए होगा, ए जी सर, माइनस में प्लस आएगा, ये माइनस में आएगा, चलो देख लेते हैं, 10 स्क्वायर है, 10 टू द पावर 4 है, 10 का पावर 4, 10 स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, sec थीटा हो जाएगा, और tan को भी बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1 जी, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर जी सर, a और b में कंफ्यूजन, कंफ्यूज नहीं होना, a और b में अलग अलग है दोनों आंसर, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, sec to the power 4 पहले है, बाद में sec square, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, हाँ ना, हाँ बस 5 मिनट, माइक को म्यूट कर लिया करो ना बात जाने से पहले, क्या करेंगे इसमें, इसका अप्रोच क्या है, अप्रोच कोई बताए इसमें क्या, तो कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग, इसके अप्रोच करने का तरीका बताया था, कैसे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे सर, जो है sec a माइनस 1 तो उस sec a माइनस 1 वो माइनस रहेगा, sec a बाय जो है नीचे वो माइनस हो जाएगा, sec a माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec a माइनस 1, sec a माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाता है, tan स्क्वायर a, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 sec a, ठीक है, अब बताओ, अब क्या करेंगे, बोलो सोहेल, सॉरी इनमें से कोई आंसर नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी, ये होगा सर, क्या हो जाएगा,
बोलो भाई कोई तो बोलो सर सेक सेक को लिख देंगे वन माइनस कॉस ए माइनस वन तो उसे बनेगा सर ऐसे नहीं बनेगा इसे ऐसे नहीं ऐसे समझ लगेगा सर जी सर सेक को क्या लिखेंगे वन बाई कॉस ए लिख देंगे ठीक है जी सर सेक को लिख दिया वन अपॉन कॉस ए ठीक है माइनस का वन माइनस वन ठीक है ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हम लोग कोई भी याद रखा नहीं ठीक है पहले भी आ चुका है अभी इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए ठीक है और ये हो जाएगा आपका वन प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए ठीक है वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए हो जाएगा ठीक है तो अभी क्या समझ में आया ये मल्टीप्लाई हम कब करते हैं कुछ याद है सर रूट में कर सर हाँ जब यहाँ पे रूट रहता है ना तब हम ये वाला अप्रोच लगाते हैं अगर रूट सर वैसे भी अगर टेन सर टेन में आंसर आता ना तब करते हैं सर टेन कॉस में आंसर नहीं आंसर आंसर अगर स्क्वायर में रहेगा आंसर अगर स्क्वायर में रहेगा ना तब करेंगे जी सर करना पड़ेगा ठीक है आंसर स्क्वायर में है नहीं तो हम फालतू क्यों स्क्वायरिंग टू स्क्वायरिंग करेंगे ठीक है सर जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से उसको ऑप्शन के हिसाब से ही हमको अप्रोच करना है ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज खत्म नहीं हो पाएगा इतने प्रकार के छोड़ देते लाइट आएंगे अभी ठीक है इन्वर्टर वगैरह सब डाउन है तो कल लास्ट कर देंगे ठीक है सर कितना दिन से लाइट नहीं लाइट तो मेरे यहाँ से कल से जो गई है तो अभी तक आई नहीं लाइट कल आंधी तूफान आया था ना पाँच दिन से लाइट आज लाइट आया हाँ तो वैसे ही बिहार का वही हाल चल रहा है किसी हर एरिया का ऐसे ही कुछ क्या हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर 31 प्लस टेन स्क्वायर सर तो या तो फॉर्मूले से करना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू भी तुमको मालूम है वैल्यू से भी कर सकते हो ठीक है वैल्यू से करोगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस टेन थर्टी होता है क्या वन बाई रूट थ्री स्क्वायर करोगे तो वन बाई थ्री हो जाएगा ठीक है ये ऊपर हो गया और नीचे करोगे तो वन प्लस वन बाई थ्री ठीक है तो तीन एक तीन माइनस एक दो बटा तीन दो बटा तीन गुण है तीन बटा दो वन आ रहा बाबू वन बटा दो कैसे आ गया सॉरी 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 तीन एक तीन एक चार बटे तीन तीन बटे चार आ गया सही दो दो चार एक बटे दो ठीक है क्लियर है